PSL का मेला सजेगा आज से कराची में। हर कोई एक्साइटेड हुआ हुआ है, खुशी की लहर दौड़ी हुई है। कुछ लोग ग्राउंड में बैठ के PSL को एंजॉय करेंगे, कुछ लोग घर पे बैठ के PSL को एंजॉय करेंगे, और कुछ लोग मेरी वीडियोस को देख के PSL को एंजॉयस करेंगे। तो इस एंजॉयस एंजॉयस के चक्कर में मैंने एक इंट्रो बना लिया है। इस पूरे PSL का एक अलग इंट्रो होगा। पहले आप लोग वो इंट्रो देखें, फिर उसके बाद हम बात करते हैं अपने PSL सेरेमनी के बारे में। PSL की सेरेमनी हो रही है कराची स्टेडियम में, और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये स्टार्ट होगी 6:45 पे, और 350 आर्टिस्ट लोग बुलाए। लेवल देख रहे हो अपना, जिसमें मशहूर है अबरारुल्ला के, राहत फ़तेह अली खान है, अहमद बेग है, सनम मारवी है, रॉक बैंड सोच है, सज्जाद अली है, ये तो है जो परफॉर्मिंग करेंगे। और जो नेशनल एंथम सॉन्ग है उसमें हारून, आरिफ लोहार और आसिम अज़हर, अली अजमत, सब ठीक है, लेकिन एक बंदे की कमी मुझे महसूस होगी, और मुझे पता है कि पूरे पाकिस्तान को महसूस होगी। वो बंदा है अपना ये अली जफ़र भाई। अगर होते ना तो चार चांद लग जाने थे PSL की सेरेमनी में। और जो इन्होंने स्टार्टिंग के जो दो गाने गाए, मैं कहता हूँ अगर तुम जब तक PSL चल रहा है तब तक इसी के गाना, यही दो गाने चला दो ना इनके, तो मुझे तो कोई मसला नहीं है। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि पूरी आवाम को, जितनी भी आवाम है ना पूरे पाकिस्तान की, उनको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि अली जफर इज़ अ ब्रांड ऑफ PSL। वो बस अमर है। वो जो दो गाने बनाए ना, वो वाइब देते ही PSL की हैं। तो इस बात का बड़ा मुझे दुख होगा कि यार अली जफर परफॉर्मिंग नहीं कर रहा ना कोई गाना, मतलब दो मरतबा दिया उसके बाद दिया ही नहीं, अजीब अजीब से गाने, पता नहीं कौन तैयार हो चल जोश दिखा दे, तो पता नहीं कैसे कैसे गाने बना लिए यार। वो एक गाना वाइब देता था जो पहले गाना आया था, फिर सीटी बजेगी स्टेज सजेगा, एक ये वाला गाना था। एक दूसरा गाना भी बहुत अच्छा था, वो मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो ये सीन है भाई PSL का, आज से ये सीन स्टार्ट हो रही। तो हो गई सेरेमनी के बाद फायरवर्क्स भी होगी। PSL सेरेमनी तो हमेशा अच्छी होती है, ओके की रिपोर्ट होती है। अब बात करते हैं हमारे सेशन में होगा क्या क्या होगा। ये सबसे पहले सेशन में हमारे ये होगा, मतलब 3 मिनट के सेशन में हमारा पहला सेशन होगा तबसरे और तज्जिए का। दूसरा सेशन होगा पिच रिपोर्ट, काम 19 की पिच रिपोर्ट। और तीसरा सेशन होगा हमारा क्वाइन प्रेडिक्ट, हम प्रेडिक्ट करेंगे काम 19 का प्रेडिक्ट होगा कि भाई कौन सी टीम जीत रही है। बाकी मैं तो देखो तबसरा भी कर दूंगा, पिच रिपोर्ट भी दे दूंगा, प्रेडिक्ट भी कर दूंगा, और तुम भी कमेंट में कर सकते हो, तुम भी कमेंट में अपना थोड़ा कुछ तबसरा दे सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर तुमने बिल्कुल सही तबसरा दिया, प्रेडिक्ट सही किया, तो मैं जो अगली वीडियो डालूंगा मैच के बाद वाली, उसमें मैं तुम्हारा कमेंट शो करूंगा अपनी वीडियो में कि भाई इस बंदे ने बिल्कुल ओके प्रेडिक्ट किया, ये तो भगवान निकला। कभी कभी लगता है अपुनिच भगवान है, तो ऐसा वाला सीन हो जाएगा तुम्हारे साथ। तो तुम कमेंट करके कनेक्ट रहना भाई के साथ PSL, क्योंकि हम एंजॉय कर रहे हैं साथ, घर वाला माहौल है, तो उसको घर वाला माहौल बना के रखो। तो पहला मैच तो क्वेटा के ग्लैडिएटर इस्लामाबाद कर रहे हैं, तो इससे अपने को कोई ताल्लुक नहीं है, अपनी टीम कराची है भैया। तो जिस दिन कराची का मैच होगा, कराची का मतलब कराची का, तो उस दिन हमारी दो वीडियोस आएंगी, मैच से पहले, मैच के बाद, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैच से पहले और मैच के बाद। 3-3 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी सी वीडियोस होगी। अगर तुम्हें देखनी हो तो मेरे चैनल पे आ जाना। दैट्स इट, PSL सेरेमनी एंजॉय करो, हम अपने घर पे एंजॉय करते हैं, तुम अपने घर पे एंजॉय करो। फिर मैच के दिन मिलते हैं, 21 तारीख को मैच है कराची और पेशावर जलमी का। 1.5 मिनट दोनों टीमों पर बात करेंगे, और 1.5 मिनट हमारे सेशन होंगे, क्वाइन सेशन, काम 19 के तबसरे और काम 19 की पिच रिपोर्ट। तो मिलते हैं तुमसे अभी 21 तारीख को कराची के मैच के दिन। बाकी कराची धाड़ेगा।